जय माता दी। साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जहाँ हम अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों को छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे रीति रिवाज, संस्कृति को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, उसे नतमस्तक होकर नमन कर रहा है। हमारे कोई भी रीति रिवाज, संस्कृति बिना वैज्ञानिक के नहीं है, वह सभी वैज्ञानिक व तर्क संगत हैं। आज प्राचीन समय से भारतवर्ष में किसी से मिलते समय अभिवादन के रूप में नमस्ते का प्रयोग किया जाता था। कोरोना काल में संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया कि जब किसी से मिलें तो शेक हैंड, हाथ ना मिलाएं, अभिवादन के रूप में नमस्ते करें। और अभिवादन के रूप में नमस्ते संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया। इसी प्रकार कई हमारी रीति रिवाज, संस्कृति हैं जिन्हें पूरा विश्व वेदों में सर्च कर रहा है और उन्हें वैज्ञानिकता की ओर पर प्रमाणित कर रहा है। तो ऐसे ही एक शब्द नमस्ते किसे कहते हैं, नमस्ते करने की विधि क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले हम नमस्ते की परिभाषा देखेंगे, नमस्ते का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। हमारे अपने शब्द जो वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से तर्क संगत व वैज्ञानिक हैं, उन्हें समझने का प्रयास करती है। चलिए तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो देखें, नमस्ते जो शब्द है वह है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है नमः धन, दूसरा शब्द है ते। इन दोनों शब्दों को जोड़ दें तो बनता है नमस्ते। नमस्ते में जो नमः है, इसका अर्थ होता है नमन या सम्मान पूर्वक झुकना। हम जब किसी के सामने सम्मान पूर्वक झुकते हैं तो वह नमन होता है। और ते का तात्पर्य है आपके। तो किसी के का तात्पर्य क्या है, जो हमारे सामने सम्मुख खड़ा हो। तो सम्मान पूर्वक आपके सामने झुकना नमस्ते कहलाता है। सम्मान पूर्वक आपके सामने झुकना नमस्ते है। अब दूसरे शब्दों में देखें, नमस्ते क्या है, नमस्ते कितने व्यक्तियों को बोलना चाहिए। तो नमस्ते एक शब्द है और एक संपूर्ण वाक्य है। नमस्ते एक शब्द है और एक संपूर्ण वाक्य है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके अलावा नमस्ते एक संज्ञा है। नमस्ते जब हम किसी से कहते हैं तो नमस्ते करते नहीं है, नमस्ते बोलते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखें, नमस्ते क्रिया नहीं, नमस्ते संज्ञा है। तो नमस्ते बोली जाती है, नमस्ते की नहीं जाती है। नमस्ते जो होती है वह एक वचन है, अर्थात नमस्ते एक व्यक्ति को बोली जाती है। यदि नमस्ते हमें एक या एक से अधिक व्यक्तियों को बोलना है तो अलग अलग बोलना पड़ेगा। जैसे दो व्यक्ति को बोलते हैं तो नमस्ते श्रीमान, नमस्ते श्रीमान। यदि एक पुरुष एक स्त्री को बोल रहे हैं तो नमस्ते श्रीमती, नमस्ते श्रीमान, जो कि आमतौर पर बच्चों को हमारे भारतवर्ष में सिखाया जाता है कि कोई यदि प्रवेश करता है, घर आता है, यदि वह आपसे बड़ा है तो उससे विनम्रता पूर्वक झुककर कहिए नमस्ते काका, नमस्ते काकी, नमस्ते श्रीमान, नमस्ते श्रीमती। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में सिखाया जाता है। अब यदि हमें नमस्ते अनेक व्यक्तियों को बोलना है तो पृथक पृथक करके हम बोल सकते हैं।
तो इस प्रकार आज हमने शाब्दिक तौर पर देखा नमस्ते किसे कहते हैं, नमस्ते का अर्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं नमस्ते करने की विधि। आज आमतौर पर हम हर काम जल्दबाजी में कर रहे हैं, इस कारण से हमारी जो प्रारंभिक विधियां हैं वह भूलती जा रही हैं। नमस्ते, बल्कि ऐसा नहीं किया जाता है। नमस्ते करते समय ये ध्यान रखें कि जो हाथ हो इस प्रकार जुड़े हुए हों और जो हमारी अंगूठे हों वह हृदय के सामने हों। इसका तात्पर्य होता है हम आपसे हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, अर्थात हमारा आपसे हृदय से लगाव है, तभी वह नमस्ते है। तो यह थी नमस्ते करने की विधि। उम्मीद करते हैं आपको प्रत्येक स्टेप अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और समझेंगे जिस प्रकार हमने नमस्ते समझा, नमस्कार क्या होता है, इसके बाद देखेंगे प्रणाम क्या होता है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।